सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के साथ चुरू जिला सांसद राहुल कसवा, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे हैं। कानूता व मगरासर गांव में किसी की मृत्यु हो जाने के चलते बीजेपी की चुनावी प्रचार बैठकें नहीं हो पाई और व्यक्तिगत संपर्क भाजपा नेताओं को करना पड़ा। गांव तेड़ाप के चौक में सभा होनी थी, लेकिन वहां पर कुर्सियां और तख्ते भी लगाए गए, लेकिन मधुमक्खियों के प्रकोप के चलते नारायण सिंह के घर पहुंचकर खेमाराम मेघवाल व अन्य नेताओं ने लोगों से संपर्क साधा और बीजेपी को वोट करने की अपील की। यहां पर मनोहर लाल पुजारी, गंगाराम प्रजापत, राकेश तरण, नारायण सिंह ठाकुर, नाहर सिंह सहित अनेक लोगों ने साफा पहनाकर सभी नेताओं का अभिनंदन किया। उसके बाद मुंद्रा गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कसवा ने कहा कि यह सरकार वेंटिलेटर पर है और बिजली के बिलों में जिस तरीके से गहलोत सरकार ने आम जनता को करंट दिए हैं, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस को कोई वोट देने वाला नहीं बचा है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि आम जन के हित के सारे काम रोक कर कांग्रेस सरकार ने महंगाई बढ़ाकर जनता को परेशान करने का काम किया है। प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल ने कहा कि मैंने कभी थाने में पुलिस की राजनीति नहीं की और न ही किसी को फंसाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2018 का चुनाव मैंने और संतोष जी मेघवाल ने आपस में लड़ लिया था, लेकिन अब हम लोग एकजुट हो गए हैं और यह चुनाव निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी, इसलिए बीजेपी को अधिक से अधिक वोट करें। इस अवसर पर विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, चुरू जिला बीजेपी अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अस्सी मोर्चा राजेंद्र नायक, बजरंग शेखावत आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। संचालन मनोज डाका ने किया। वहीं लिखमणसर गांव में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम, वासुदेव चावला, हरलाल सारण सहित अनेक बीजेपी नेता पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट मांगे। वहीं सांसद राहुल कसवा ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि बीजेपी सभी रूठे हुए नेताओं को मना लेगी और सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं। पिछली बार चुनाव के अंदर संतोष जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से हमारा बैलेंस बिगड़ गया था। अब दोनों हम साथ हैं और निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे। माहौल बहुत अच्छा है, सब कार्यकर्ता साथ हैं और सब आप देख रहे हैं, अभी आप गाँव में गए हैं, लोगों का रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। निश्चित रूप से इस कांग्रेस की सरकार से लोग दुखी है और हमारा व्यवहार हमेशा रहा है हर कार्यकर्ताओं के बीच में, हर गांव के चौपाल में हम जाते आते रहे हैं और हर दुख सुख में उनके साथ रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी जाता हूँ, मेरे पे कोई ओलमा या इस तरह से कोई बात नहीं आई है। सब लोग खुश हैं और सब लोग इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम आपको ही विजयश्री दिलाएंगे। क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मैंने आपकी हमेशा आपके साथ रहा हूं, आपका आशीर्वाद बना रहा है, मुझे पूर्ण रूप से आप आशीर्वाद देंगे। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इस चुनाव में मुझे मतदान करेंगे और मुझे विजय से दिलाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे। ये शब्द ही गलत कहे, काले कृषि कानून ऐसा नहीं है। कृषि कानून एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है भारत सरकार ने किसानों के लिए, उनकी सेल के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर लेकर एक ये ऐसा ये कानून जो तीनों आए हैं पूरे देश के, कुछ हमारे किसान भाई इसको लेकर आंदोलनित भी हैं, पर किसानों के इस बिल के अंदर एक वैकल्पिक व्यवस्था है और सरकार का एक स्टैंड है कि जब हम कोई ऐसे कानून लेकर आते, रिफॉर्म्स हैं ये, तो कृषि क्षेत्र में ऐसे रिफॉर्म्स कभी आए नहीं थे, फिर भी सरकार तैयार है कहीं पर भी किसी को भाई को भी, किसी किसान को भी या किसी संस्था को भी या संगठन को लगता हो कि नहीं ये हमारे नुकसानदाय हैं तो सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। मैं चूरू के परिपेक्ष की बात करूंगा, चूरू के अंदर MSP की परचेजिंग किस मात्रा में होती है हम सब जानते हैं। हमारे क्षेत्र के किसानों को एक अच्छा मौका मिलेगा क्योंकि आज की तारीख में भी अपना प्रोड्यूस को सेल करने का, दिल्ली जाओ चाहे बीकानेर जाओ, कहीं पर भी जाओ, किसान अपना माल बेच सकता है और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहाँ तक बात है, एक ऐसा ऑप्शन दिया है किसान को कि वो अपनी उपज की उपज के बारे में, पर लोगों को भ्रमित करने का काम भी किया जा रहा है। मैं तो सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, जो आंदोलन कर भी रहे उनसे निवेदन करूंगा कि वार्ता करके ही अपन कोई हल निकाल सकते हैं, वार्ता पे जरूर उनको आना चाहिए। और हाँ, अभी बीजेपी के नेता तेलाप में जब नरपत सिंह घर पर बैठे थे तो RLP के वोटों को लेकर चर्चा चली, RLP कितने वोट ले रही, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में RLP का देखिए एक ये एक पार्टी के नाते एक हमारा संगठन जो है, हमें मंथन तो करना ही होगा कि हमारे सामने कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कैसे पार्टीज उम्मीदवार खड़ा करती हैं। हालांकि पार्टी जो उम्मीदवार RLP के हैं वो सीकर के रहने वाले हैं, हम सारी बातों की चर्चा पार्टी होती है आपस में करती भी है कि कांग्रेस कहाँ ले रही है, बीजेपी क्या करना चाह रही है, RLP कौन से वोट बैंक को कैसे टारगेट कर रही है, क्या मुद्दों को लेकर जा रही है, वो पार्टी की विदिन चर्चा है, आप उस चर्चा का हिस्सा रहें तो उसको आपको पता भी है। हमारा खाली तो उसे प्रॉपर, क्योंकि पार्टी ने अभी मेरे सांसद कार्यकाल के अंदर में 47,000 की लीड ली है, प्रधान दोनों हमने हमारे बनाए हैं
विद्यासर का जिला चेयरमैन हमारा बना है। ऐसी परिस्थिति में पार्टी का आगे क्या स्टैंड होना चाहिए, कार्यकर्ता या वोटर्स का माइंडसेट चल रहा है, वो चर्चा हमने अवश्य करी है। मगरा सर से पुराने बीजेपी नेता है राम प्रताप जी, आरएलपी में चले गए, तो आप लोग रोक क्यों नहीं पा रहे बीजेपी के नेताओं? देखिए जी, अब रोकने का, आप देखिए 30 तारीख को हमने फॉर्म भरा, आज हम फोर्थ डे में खड़े हैं। डेली हमारे हम 18 से 20 गाँव में जा रहे हैं और जो कार्यकर्ता नाराज है उनसे हमारे पिता श्री राम सिंह जी पर्सनली जाके मिल रहे हैं। राजेंद्र जी परसों तक पहुँच जाएंगे, पूरी टीम लगेगी और हम कार्यकर्ताओं तक जाएंगे। हमारा टारगेट यही, जिन लोगों ने हमको वोट दिया, देखिए जी भारतीय जनता पार्टी को 47,000 की लीड मिली हुई है, कहीं ना कहीं वोट बीजेपी को पड़ा है, तो जो नाराजगी कुछ होगी तो उनको हम समझाने का काम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जीत मिलेगी। खेमाराम जी का व्यवहार और उनका जो नेतृत्व है लोगों को हमेशा पसंद आता है और उनका ऊपर लोगों को विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का कमल सुजानगढ़ में पक्का खिलेगा। गाँवों में हो चाहे शहरों में हो, सब जगह बहुत शानदार माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और बहुत खिलाफ माहौल है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस ने पिछले 2.5 वर्षों में राजस्थान की विधानसभा में हम उनको कह के थक गए, लेकिन जनता की सुध लेने का काम नहीं किया। ये गूंगी बहरी सरकार है, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, सबके साथ में इन्होंने धोखा किया है। महिलाओं के साथ में अत्याचार में राजस्थान अव्वल नंबर पर आ गया है। किसान त्राहिमाम कर रहा है, उसका कर्जा माफ नहीं हुआ है। बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। हालात बहुत खराब हैं। इन हालातों में कांग्रेस पार्टी के पूरी तरह से जनता जनार्दन खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य उम्मीदवार और बहुत सेवाभावी, सीधे सच्चे सरल स्वभाव के व्यक्ति खेमाराम जी मेघवाल सुजानगढ़ उपचुनाव में भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं। कृषि बिल और महंगाई का इस चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, कृषि बिलों में किसानों के हक में फैसले हैं, कहीं पर भी किसानों के खिलाफ कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की गई है। किसान धीरे धीरे समझ रहा है कि कृषि बिलों से उनकी आय दुगनी होगी और देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से लेकर नौजवानों से लेकर महिलाओं की सबकी चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश में जब शासन कांग्रेस पार्टी का था तब हालात और आज के हालात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुयोग्य नेतृत्व में काम हो रहा है तो बहुत बदले हैं। धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी, लेकिन कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ जो ढांचा था उसको ठीक करने में देश में थोड़ा समय जरूर। चुनाव का लड़ लिया था, उसके कारण से वोट हमारे बट गए, लेकिन आज हम साथ हैं तो हमारे जो भी मतलब अलग अलग हो गए थे पार्टी कांग्रेस के हालात तो इतनी खराब था कि बिजली मोटो काम है सिंगल फेस है और भी सिंगल फेस है बीजेपी के राज में समस्या को नहीं। आज जो ही कांग्रेस को राज आयो आज साथ में वोट नहीं था कि समस्या पैदा नहीं बीते ट्यूबवेल को नहीं आगे आज ट्यूबवेल ज्यादा हो गया के, लेकिन इस सरकार की नीयत खराब होगी कि किसान को कभी भलो नहीं हो गया। पहले तो किसानों ने किया किसानों कर्जा माफ करते हैं, बेरोजगारों ने कह दिया भत्तों दे रहा दिया जी चीज मुंडे मारी जी कह दी हो और आज आने के बाद में एक तो आदमी कर्जा माफ को नहीं हो, एक ही व्यक्ति ने बेरोजगार भत्तों को मिले हो और बिजली का बिल की बात नहीं है, बिजली तो बड़ा ही बनी लेकिन बेटा बिल तो अबार आ गया और बिल के साथ कहीं कहीं सरकार के और के पता नहीं के सरकार लगा कर 300 को बिल मूल यूनिट को बिल तो 300 और 700 रुपये को 1,000 रुपये और ये सरकार में देखने पहली बार मिले।